तो नमस्ते मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर एक बार अद्भुत अविश्वसनीय गेम खेलने जा रहे हैं, जिस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। नाम तो सुना ही होगा। नहीं। इस आज के एपिसोड में हम माइनक्राफ्ट में माइनशॉप्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे गाइस, अभी मेरा प्लान था कि हम ऑटोमेटिक आयरन फार्म बनाए, लेकिन गाइस कुछ रीजंस की वजह से मैं अभी आयरन फार्म नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी हम माइनशॉप्ट एक्सप्लोर करेंगे, इसमें भी काफी मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, ओ भाई, अबे यार मैंने इसको क्यों फायर हिट कर दिया। अबे यार शिट, क्या ही कुत्तों की जिंदगी पे। अबे मर मत प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई बच गया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। लास्ट एपिसोड में गाइस हमने इंडियन फ्लैग के ऊपर येलो उल लगाए थे, लेकिन मेरे को तब पता नहीं था कि ऑरेंज उल भी क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी मेरे को पता चल गया था ऑरेंज उल कैसे क्राफ्ट करते, तो मैंने ऑरेंज उल क्राफ्ट कर दी और फिर येलो उल की जगह मैंने ऑरेंज उल लगा दी है अपने फ्लैग के ऊपर। वैसे गाइस मैं अभी आपको बता देता हूँ मैंने ऑरेंज उल कैसे क्राफ्ट की। तो गाइस सबसे पहले हमको चाहिए होंगी कुछ रेड डाय और चाहिए होंगी हमको कुछ ऑरेंज डाय। तो ये देखो, रेड डाय और ऑरेंज डाय का हमें कॉम्बिनेशन करना है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे कहाँ पे गया क्राफ्टिंग टेबल। तो ये देखो गाइस, वैसे करके हमको ऑरेंज डाय मिलती है, अगर आपको याद नहीं होगा तो। मेरे को भी पता नहीं था ये ट्रिक। तो गाइस आप में से किसी एक बंदे ने कमेंट करके बताया भाई ऐसे भी होता है। और गाइस अभी मेरे को क्या करना है, आयरन फार्म की कुछ तैयारी करनी है। लेकिन गाइस हम आयरन फार्म नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वो भी तगड़ा वाला, ठीक है ना। वर्किंग आयरन फार्म बना लेता हूँ और जितनी भी बार मेरे पास जो एक्स्ट्रा उल है ना, एक्स्ट्रा उल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये उल यहाँ पे रखने, फिर ऑरेंज उल मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रेड उल रखने, मेरे को येलो उल यहाँ पे रखने थे तो येलो उल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कि आयरन फार्म बनाने के लिए मेरे को चाहिए होंगे कुछ शीट्स भाई, काफ़ी ज़्यादा शीट्स चाहिए। और ये शीट्स किस लिए चाहिए वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी मेरे को क्या करना है, एक बड़ा सा फार्म रेडी करना है। तो बड़ा सा फार्म रेडी करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे हॉर्न और बकेट चाहिए होंगे। तो बकेट मेरे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं बकेट ले लेता हूँ। तो इतने बकेट काफ़ी होंगे। और मेरे को हॉर्न चाहिए थे, हॉर्न मैंने शायद से इस वाले चेस्ट में रख दिए थे। और ये सभी रात भी हो चुके, तो हम अपने पटाख से एक झपके कंप्लीट कर लेते हैं। माइनक्राफ्ट में एक और नया दिन, और एक और नए दिन में हम कुछ अतरंगी सतरंगी कारनामा करने वाले हैं। गाइस अभी हम, मेरे को क्या करना है, फार्मिंग करनी है। फार्मिंग करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे कुछ हॉर्न। हॉर्न तो मैंने ले लिया, तो मैं ऐसे टेम्परेरी फार्मिंग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, एक ब्लॉक यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक ब्लॉक निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पे वाटर डाल देता हूँ। ये सर्फेस को ऐसे नांगरना है, समझ रहे हो ना, मराठी में इसे को नांगरना कहते हैं। अभी मेरे को हिंदी वर्ड नहीं पता इसका। और गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक बकेट वाटर डाल लेता हूँ। तो चलो गाइस, यहाँ तक तो मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरे को क्या करना है, शीट्स यहाँ पे लगाने हैं। तो मैं यहाँ से शीट लगा लेता हूँ, ताकि गाइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वीट आ जाए। तो वीट की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अगर हमको आयरन फार्म बनाना है तो, और भी सर्वाइवल मोड में, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं यहाँ पे ये शीट लगाने वाला हूँ, और ये फार्मिंग काफ़ी बड़ी करने वाले हैं अपन लोग। तो फाइनल गाइस मैंने यहाँ पे अपने सारे शीट लगा दिए। अभी मेरे को क्या करना है, माइनशॉप में जाने की कुछ तैयारी करनी। अगर गाइस आपने नोटिस किया होगा तो अभी मैंने आयरन का आर्मर पहना हुआ है, अभी मेरे को डायमंड का आर्मर पहनना है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ। तो ये डायमंड की मैंने चेस्ट प्लेट पहन ली। अभी भी मेरे को क्या करना है, पैंट पहनना है, तो पैंट भी मैंने डायमंड की पहन ली। तो चलो गाइस मैंने सारी चीज़ें डायमंड की पहन ली, लेकिन गाइस अभी मेरे पास डायमंड नहीं है, वरना मैं डायमंड का हेलमेट भी क्राफ्ट कर लेता। तो गाइस अभी मेरे पास डायमंड का हेलमेट क्राफ्ट करने के लिए डायमंड तो नहीं है। और गाइस जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा बकेट है ना, सारे बकेट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और डर्ट मेरे को यहाँ पे रखनी थी, डर्ट मैंने यहाँ पे रख दी। अभी मेरे पास देखो एक्स्ट्रा बो है, एक्स्ट्रा बो मेरे को यहाँ इस वाले चेस्ट में रखनी है। तो इस वाले चेस्ट में मैं ये देखो ये इंचमेंट वाली बो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वैसे उसमें अनब्रेकिंग 2 है, पंच 1 है शायद से, जो भी हो। और गैस अभी हमको माइनशॉप में जाना है। माइनशॉप में जाने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा टॉर्चेस लगेंगे, तो मैं और टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। और गैस मैं साइन बोर्ड भी क्राफ्ट कर लूँ क्या, तो ये देखो ये 3 साइन बोर्ड है मेरे पास, इस 3 साइन बोर्ड भी ले लेता हूँ, इसकी भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो गैस मैं कुछ टॉर्च क्राफ्ट कर लिया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नेम टैग है, तो मैं कुछ आयरन गोलम को नेम दे दूँ। तो आयरन गोलम को हमको नेम देना है, तो आयरन गोलम को हम कौन सा नेम देंगे वो भी देख लेता हूँ मैं। तो गैस ये देखो यहाँ पे मेरे को नेम टैग रखना है, फिर मेरे को यहाँ पे एक नेम टाइप करना है, तो मैं कौन सा नेम दूँ। तो ठीक है गैस, अभी मैं फाइनली रक्षक नेम देने वाला हूँ, क्योंकि वो सबकी रक्षा करेगा, ठीक है ना। और गैस यहाँ पे अभी मैंने रक्षक नेम का नेम टैग क्राफ्ट कर लिया है। अभी देखो ये रहा हमारा आयरन गोलम, वो सबकी रक्षा करता है, तो इसको हम रक्षक नाम दे ही देते हैं नेम। तो गैस तो चलो गैस मैंने यहाँ पे इसको रक्षक नाम भी दे दिया। तो भाई सुन, अभी तेरा रक्षक नाम है और तेरे को सबकी सभी विलेजर की रक्षा करनी है, समझ रहा है ना तू, समझ रहा है मेरी बात। नहीं, माइनक्राफ्ट में और एक नई सुबह, और हमको इस वाली सुबह में जाना है माइनशॉप में। और माइनशॉप कहाँ पे वो भी पता है मेरे को, इस तरफ माइनशॉप है, मैंने काफ़ी एपिसोड पहले ढूंढी थी। तो गाइस जाते जाते हम अपने इंडियन फ्लैग को सल्यूट करते हुए जाते हैं। और गाइस ये देखो इस तरफ माइनशॉप है, तो इस तरफ हमको ध्यान से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को ब्लॉक भी लगाने थे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस की वजह से ब्लॉक नहीं लगाया। वैसे गाइस मैं वहाँ पे ब्लॉक भी लगा दूंगा। और देखो यहाँ पे ये कछुआ भी मिला हमको, इस कछुए को मारेंगे क्या हम। देखो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस कछुए को मार लेता हूँ, बाद में हम पालन पोषण करेंगे, समझ रहे हो ना।
और गैस मैंने कछुए को तो मार लिया और मेरे को ग्रासी मिल गई और हम इसको भी मार लेते हैं, अब अपने धनुष बाण से मारेंगे। तो इधर आ इधर आ इधर आ। ओ भाई ये तो एक ही इसमें मर गया भैया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो गाइस शायद जब मैंने यहाँ पे माइंड शॉप देखी थी तो माइंड शॉप कहाँ पे, ओ भाई ओ देखो वहाँ पे माइंड शॉप है। अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और मैंने बकेट भी नहीं लाया। वैसे कैसे हम पीरो प्लेयर है, पीरो प्लेयर ऐसे एक एक ब्लॉक निकाल के नीचे नहीं जाते। पीरो प्लेयर नीचे कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पानी का सोर्सेस मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट छलांग मारूंगा। तो सबसे पहले ये वाला डर्ट निकाल देता हूँ। तो यहाँ से देखो मेरे को अच्छे से छलांग मारनी है, जंप करनी है। तो पीरो प्लेयर है हम, ठीक है ना? ठीक है। अबे मेरे को डैमेज नहीं होना चाहिए। वैसे गाइस देखो पीरो पेयर होने का यही फायदा होता है। वैसे अब मेरे को यहाँ पे ऊपर जाना है और यहाँ पे माइंड शॉप का नीचे कोई रास्ता है क्या? लो कर लो बात, हमको यहाँ पे आयरन भी मिल गया। तो ये वाला जो है ना इसको निकाल देता हूँ मैं। तो देखो गाइस यहाँ पे काफी खतरनाक मौसम है, मौसम में क्या ही कह जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा आयरन ब्लॉक मिले, तो आयरन ब्लॉक में कलेक्ट कर लेता हूँ। आते ही हमारा आयरन ब्लॉक ने स्वागत किया, वाह क्या ही बात है। हम माइंड शॉप में भी चलेंगे, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जितने भी मेरे पास आयरन ब्लॉक मिलते हैं ना आयरन ब्लॉक, सारे आयरन ब्लॉक कलेक्ट कर लूंगा मैं। इस तरफ भी जा सकते हैं, मैं जाऊँ क्या? लेकिन गाइस मैंने अभी हमारे साथ कुछ ब्लॉक नहीं लाया, मेरे को कुछ ब्लॉक लाने पड़ेंगे। वैसे मैं यहाँ से ब्लॉक कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस मैंने यहाँ पे अपनी एक चीज भूल गई, वो आपको घर जाते ही बताऊंगा। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, मैं क्या ही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा और मैं नीचे से देख लेता हूँ। वैसे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ तो नहीं दिखाई दे रहे। वैसे गाइस मैं जोश जोश में माइंड शॉप में चला ही गया था, लेकिन मैंने एक चीज को काफी ज्यादा मिस किया, वो है शील्ड। तो शील्ड कहाँ पे, इस वाली चीज में मैंने शील्ड रखी थी। तो मैं ये वाली शील्ड को देखो गाइस, मैं इसको काफी ज्यादा मिस करने रहा था और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मेरे को कुछ कॉबलस्टोन चाहिए थे तो मैं कॉबलस्टोन में यहाँ से ले लेता हूँ। और देखो यहाँ पे मैंने आयरन भी रख दिया। और गाइस मैं यहाँ पे बेड भी ले लेता हूँ, बेड मैंने यहाँ पे रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं रेड वाला बेड लूंगा। और गाइस आपने सुना ही होगा कुछ कार्य करने से पहले पेट पूजा हो जाए, तो हम पेट पूजा कर लेते हैं। लेकिन अभी देखो रात भी हो चुकी है, तो हम अपनी प्यारी सी निंद्रा कंप्लीट कर लेंगे, फिर ही जाएंगे हम माइंड शॉप में। और एक नया माइनक्राफ्ट का दिन, और इस वाले माइनक्राफ्ट के दिन में हम जाएंगे माइंड शॉप में। और गाइस मैं क्या सोच रहा था, जो ये हमारे डॉगी है ना इसको भी ले चलते हैं। तो भाई खड़ा हो जा तू, और इसको भी ले चलते, इन दो डॉगी को ले चलते। क्योंकि गाइस ये देखो बैठे बैठे यहाँ पे काफी ज्यादा आलसी हो गए और ये कुछ काम भी नहीं करते। तो गाइस इसको हम लेके चलेंगे। तो आओ मेरे पीछे पीछे आओ। कहाँ पे हो आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे यार कहाँ पे है ये? ओ देखो ये टेलीपोर्ट होते हैं यहाँ पे, भाई क्या ही गजब नशे है। इसे गैस आपको पता ही होगा मैं काफी पीरो प्लेयर हूँ। तो गैस पीरो प्लेयर की हम निंजा टेक्निक यूज करेंगे, हम पीरो प्लेयर है। पीरो प्लेयर ऐसे नुमरों की तरह नीचे नहीं जाते भाई। वक्त वर्क कर, हो भाई हो भाई हो भाई हो भाई, वर्क कर गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वर्क करेगी, लेकिन यार वर्क तो कर गई। डॉगी को कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं बे? अबे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इधर आओ इधर आओ। एक तो अच्छी बात है मेरे को यहाँ पे आयरन के ब्लॉक काफी ज्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से, ओ भाई ये देखो ये यहाँ पे आ गया। और गिर मत तू, गिर मत। अभी देखो इस तरफ चलते हैं पुल। और गैस ये देखो मैंने साइन बोर्ड तो लाया, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि हम रास्ता ना भटक जाए। और गैस ये देखो जो ये रेल ट्रैक है ना, ये रेल ट्रैक भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि गैस जो हम अगले एपिसोड में आयरन फार्म बनाने वाले हैं ना उसमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखो रेलवे ट्रैक भी कलेक्ट कर लिया मैंने। और मैं इस तरफ जाऊँ क्या? तो चलो हम इस तरफ भी चलते हैं। तो ये काफी, ओ भाई हमको आते ही यहाँ पे चेस मिल गए, एक ट्रेजर मिल गया। तो इस ट्रेजर को हम फाइंड कर लेते हैं। और गैस मेरे को यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को ट्रेजर भी मिल गया। और इस ट्रेजर में कौन सी बुक है? ओ भाई One hour later. मेरे को यहाँ पे अपने जीवन काल की पहली ट्रेजर मिली थी। और गाइस उसको ये देखो ये वाली बुक मिली इम्प्लेमिंग वन की। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ इम्प्लेमिंग एंचेंटमेंट बुक से होता क्या है। और यहाँ पे मेरे को कुछ आयरन ब्लॉक मिले है। तो गाइस मेरे को आयरन ब्लॉक की नहीं है मेरे पास, सो मैं आयरन ब्लॉक भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे और नीचे आयरन ब्लॉक है। तो गाइस ये काफी ज्यादा भूलभुलिया है। और गाइस यहाँ पे मेरे को और एक ट्रेजर मिल गया। तो इस ट्रेजर में देखते हैं क्या मिलता है। तो और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे को कुछ रेल ट्रैक मिले, और यहाँ पे और एक रेल मिली, और यहाँ पे मेरे को कुछ रेल ट्रैक मिले। और गैस यहाँ पे मेरे को शार्पनेस वाली बुक भी मिली। और यहाँ पे क्या पंपकिन शीट है क्या? तो यहाँ पे मेरे को पंपकिन शीट मिले। और यहाँ पे ये वाली शीट कौन सी है वैसे आप कमेंट करके बताओ, ताना इस वाली शीट का हम उपयोग क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रीपर, भाई क्या है यहाँ पे? और ये क्या कर रहा है? रुक जा इसको इसको मार लेते हैं। और यहाँ पे क्रीपर आ गया था, और मेरे को यहाँ पे क्रीपर की साउंड भी नहीं आ गई आई थी। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली। क्रीपर फटा तो फटा, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा डैमेज क्यों नहीं हुआ भैया? यहाँ पे मैं टॉर्च लगा देता हूँ। वैसे गाइस यहाँ पे पानी था, वो वैसे पानी में क्रीपर फटा तो क्रीपर का कोई असर नहीं होता। और यहाँ से हम पानी का फ्लो क्लोज कर देते हैं। और गाइस ये देखो यहाँ पे जितने भी ब्लॉक हैं ना, ये सारे आयरन के ब्लॉक मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक टॉर्च लगा के देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से रास्ता बंद हो गया है। तो ये जितने रेल ट्रैक है ना, ये रेल ट्रैक मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से रास्ता क्लोज है क्या? क्लोज है क्या? नहीं, यहाँ पे आगे भी रास्ता है। और यहाँ पे जाके देखते हो। और गाइस यहाँ पे रात भी हो चुकी है, तो इस तरफ चलते हैं। और यहाँ पे कुछ सीढ़ियों जैसा है, तो सीढ़ियों के नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉर्च लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए। और यहाँ पे ये कर क्या रहे? डॉगी उधर आ, इधर आ, इधर आ।
और यहाँ पे मेरे को जॉम्बिस की काफी खतरनाक वाली साउंड आ रही है। और जॉम्बिस कहाँ पे भाई, जॉम्बिस कुटे आए तू? आयरन मिली है तो आयरन में यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को जॉम्बिस की काफी खतरनाक वाली साउंड आ रही है। तो गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई जॉम्बी स्पॉनर होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जॉम्बिस की काफी ज्यादा साउंड आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं जॉम्बिस स्पॉनर हमारे आसपास ही होगा शायद से, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आगे चल के देखते हैं हम। और गाइस यहाँ पे मेरे को जॉम्बिस की काफी भयानक वाली साउंड आ रही है आसपास हमारे जॉम्बिस से, लेकिन जॉम्बिस कहाँ पे है वो नहीं पता मेरे को। यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँ गाइस, यही होता है अगर हम माइंडशॉप में आए तो यहाँ पे जॉम्बिस आ रहा है। ये साउंड किसकी है मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। अरे चूड़े, अभी चूड़े भाई, यार ये चूड़ेल क्यों आ गई यहाँ पे भाई, यार मेरे को चूड़ेल। और यहाँ पे देखो चूड़ेल ने मेरा क्या ही हाल कर दिया। और यहाँ पे मेरे गाइस, अभी यार मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी हेल्थ देखो। और चूड़ेल ने क्या कर दिया भाई, मेरे को मेरे ऊपर एसिड डाला चूड़ेल ने। और यहाँ पे और एक जॉम्बिस है, तो इस जॉम्बिस को मैं बड़ी आसानी से मार लेता हूँ। भाई मेरे से दूर रहे, मेरे पास मत आना, क्योंकि चूड़ेल ने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया और एसिड का असर भी खत्म हो चुका है अभी, तो मैं कुछ खाना भी नहीं खा सकता अभी। और मेरा उल कहाँ है भे, मेरा डॉगी कहाँ पे, एक तो डॉगी यार ये मर गया, और एक डॉगी कहाँ पे है भे, हमारे एक डॉगी चला गया यार सैडली। उस चूड़ेल की बच्ची को हम छोड़ेंगे नहीं, चूड़ेल की बच्ची कहाँ पे है अभी, ये भी मर गया। ओ भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे दोनों ही डॉगी मर गए हैं। और यहाँ पे मैं कर क्या रहा था मेरे कुछ नहीं पता। और यहाँ पे इसने क्या है, कुछ तो भी ड्रॉप किया, तो उसको छोड़ने दो। और यहाँ पे भी है, तो गैस यहाँ पे मेरे को अभी अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि गैस जो भी मेरे दो ही डॉगी थे ना, वो सारे दो डॉगी मेरे चले गए। और यहाँ पे कुछ तो भी ड्रॉप किया इसने, तो ये ले लेते हैं, इसके बदले हम क्या ड्रॉप करें, तो ये चेस्ट प्लेट ड्रॉप कर लेते हैं। और ये क्या है, तो गैस ये इंस्टेंट हेल्थ का कुछ ये केमिकल ड्रॉप कर दिया है उसने, तो ये इंस्टेंट हेल्थ भी हम ले लेते हैं। लेकिन इससे होता क्या वो नहीं पता मेरे को, इसको अभी हम क्या करें, ग्रहण करें क्या इसको? ओ भाई इससे हमको हमारे कुछ हेल्थ बढ़ चुके हैं, तो आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे अभी हम इस तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखो और एक जॉम्बी, तो आजा बेटे इधर आ जा, तेरे को हम ऐसे ही मारेंगे यार। और यहाँ पे अब और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ। और गैस यहाँ पे मकड़ी स्पॉनर है यहाँ पे, मेरे को मकड़ी स्पॉनर की साउंड आ गई। और यहाँ पे एक जॉम्बी यहाँ पे फंसा हुआ है, तो जॉम्बी इसको मार लेते हैं। और ओ भाई ये जॉम्बी स्पॉनर मिल गया हमको, और यहाँ पे भाई मर तू क्या लेगा मरने का। और यहाँ पे जॉम्बी स्पॉनर है, मकड़ी स्पॉनर है, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी स्पॉनर है हमको मिल गया। अबे ये कर क्या रही है, अबे मार मत, अबे मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा, तो यहाँ से अपन लोग इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा देता हूँ। वो भाई मैं यहाँ पे अभी यहाँ से अभी मैं ओ भाई वो मकड़ी, लेकिन हमको हमारे ऊपर कौन सा एसिड डाले उस मकड़ी में। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड है, तो ब्रेड खा लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये मकड़ी स्पॉनर है कि कौन सा स्पॉनर है? ओ भाई ये तो हम जॉम्बी स्पॉनर मिल गया। ओ भाई काफ़ी गजब। और आसपास मकड़ी भी स्पॉनर है, मेरे को मकड़ी की साउंड आ रही है। ओ भाई यहाँ पे मकड़ी की साउंड आ रही थी, और देखो यहाँ पे मकड़ी आ गए थे, तो मकड़ी को मैं मार देता हूँ। अबे यार एक हो क्या रहा है मेरे से, स्प्लिट कंट्रोल को मैंने ऑफ कर दिया। तो गाइस ये देखो अभी ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैं कॉबर स्टोन लगा दूंगा, यहाँ पे भी कॉबर स्टोन लगा देता हूँ, ताकि उस तरफ की मकड़ी इस तरफ ना आ जाए। तो गाइस ये देखो पास में ही मकड़ी स्पॉनर है, और यहाँ पे हमको जॉम्बी स्पॉनर भी मिल गया। इस दो चीज में हमको क्या मिलता है, तो और यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला, तो ये तो चलो गाइस यहाँ पे तो रहने दो। वहाँ पे तो हमको हॉर्स आर्मर मिल गया, हॉर्स आर्मर का कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमारे को। और यहाँ पे हमको एक सीढ़ी मिल चुकी है, डिक्स मिल चुकी है, सीढ़ी नहीं भाई डिक्स कहते इसे, तो इसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं। और गाइस यहाँ पे मैं आपको कोऑर्डिनेट शो करवा देता हूँ, आप देख सकते हो। इसके जाले निकालूंगा तो मकड़ी एग्रेसिव हो जाएगी और वो हमको मारने लगेगी, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ चारा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पटाख से टॉर्च लगा देता हूँ, अभी मकड़ी स्पॉन नहीं होंगे यहाँ पे। तो वैसे ये देखो यहाँ पे हमको मकड़ी स्पॉनर मिल गया, और इसके पास ही में हमको जॉम्बी स्पॉनर भी मिल गया, तो ये तो अच्छी बात है। जो ये फेंस है ना, फेंस निकालने हैं मेरे को उस तरफ। और यहाँ पे मकड़ी क्या कर रही है, अबे मार मत मेरे को, मेरे को मत मार, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मत मार तू। यहाँ पे और एक मकड़ी स्पॉनर है क्या, तो इसको भी मार लेते हैं। यहाँ पे जितने भी जाले हैं ना, सारे जाले मेरे को निकालना है। आजा बेटा आजा इधर आजा। और आगे कौन सा स्पॉनर है भैया, एक तो मेरे को जॉम्बी स्पॉनर मिल गया, और यहाँ पे आगे कौन सा स्पॉनर है, इसको भी मार लेते हैं उन लोग। आजा, इसको भी मार लिया। और गाइस मेरे को यहाँ पे अभी थोड़ा सेफली जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जॉम्बी स्पॉनर, अभी यहाँ पे स्केलेटन स्पॉनर मिल गया मेरे को, अभी स्केलेटन है यहाँ पे। अभी नहीं, ओ भाई लेकिन मेरे को यहाँ पे स्केलेटन स्पॉनर मिल गया, ये तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे कितने सारे स्केलेटन स्पॉन हो रहे हैं, और मेरे को यहाँ पे स्केलेटन स्पॉनर भी मिल गया। अबे यार मेरे को पता नहीं था कि स्केलेटन स्पॉनर होते हैं करके। रुक जा बेटे, अब आ जा तू भी आ जा। अबे पीछे तो देखो। पीछे तो देखो। तू भी आ।
अबे रुक जाओ कर क्या रहे हो। मेरे को उस वहाँ पे टॉर्च लगानी थी और मैंने टॉर्च लगा दी। और ये देखो ये बेटे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो। और गैस ये देखो यहाँ पे हमको स्केलेटन स्पॉनर भी मिल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कहीं हमको यहाँ पे पास ही में 3 स्पॉनर मिलेंगे। एक तो हमको मकड़ी का स्पॉनर मिल गया और यहाँ पे हमको स्केलेटन का स्पॉनर मिल गया और हमको यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिल गया, तो ये तो अच्छी बात है। और गैस देखो यहाँ पे मैंने माइनशॉप में आके काफ़ी अच्छा काम किया। और ये देखते हैं अपन लोग स्केलेटन स्पॉनर में हमको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे गोल्ड आर्मर मिल गया है, वो भी हॉर्स का। और गैस यहाँ पे मेरे को गोल्डन एप्पल मिल गया है और बाकी के पूरे फुद्दू चीज़ें हैं। और यहाँ पे और एक चेस मिल गई और इस चेस में मेरे को ये डिस्क मिल गई है। डिस्क इस एक कौन सी डिस्क है, ये डिस्क की वैसे कोई ज़रूरत नहीं। और सैडल भी मिल चुके हैं, सैडल भी नहीं लेते अपन लोग। और यहाँ पे क्या मिल गया ये तो मैंने देख लिया। तो चलो गैस यहाँ पे दो चेस थे और दो चेस में हमको कुछ काम की चीज़ें तो मिली नहीं। तो गैस ये देखो यहाँ पे हमको मकड़ी स्पॉनर मिल गया, फिर हमको पीछे स्केलेटन स्पॉनर मिल गया और यहाँ पे हमको ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया। तो भाई सही में काफ़ी गजब की लूट मिल चुकी है हमें। तो गैस हमको लूट तो नहीं मिल गई, लेकिन गैस हमको ज़ॉम्बी स्पॉनर, मकड़ी स्पॉनर काफ़ी ज़्यादा, तीनों के तीनों स्पॉनर एक ही जगह पर मिल गए हमको, तो ये तो अच्छी बात हुई। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने कैसल में। और गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना जो हमको 3 स्पॉनर मिले ना उस स्पॉनर का करना क्या है। अगर गाइस आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बोले तो मंडल आभारिया है।